Aramba. Oh, bhai. Phone pe baat kar raha hu, zara ruk jao. Aramba. Are tumhari. Actually, pata hai, galti hai na, inki nahi hai. Ek minute, Aramba, wait, hold on. Galti inki nahi. Are ruk jao. गलती इनकी नहीं है राजी गलती आपकी है मेरी है हाँ जी इसलिए कि गाना इतना बड़ा हिट हो गया इतना हिट हो गया कि आप जब जब अगर कोई भी इंसान रंबा नाम लेता है तो उसके साथ ही अटैच हो जाता है ये सच है भाई हमारे जमाने में भी ऐसा ही था तो बस अब वही सुपर हिट गाना रंबा अरे गाने आ रही है वो जिसको आइडल की ट्रॉफी चाहिए दो 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 क्या बात Presenting Anjana Padmana, Bhan, Bhan, Bhan! Yes, Anjana Padmana, Bhan, Bhan, Bhan. Are you all ready? Yes. देखिए उषा उत्तप को गाना इतना आसान नहीं है और ये गाना गा सकता कोई तो अंजना गा सकती है। Thank you sir, thank you so much. Sir, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये गाना गा सकूं। I really, really hope आपको आज मेरा performance अच्छा लगे। क्या ये performance हम लोग राजी? जी। आप मैं श्रेया तीनों जैसे आप लोग कंसर्ट में एंजॉय करते हैं वैसा हम लोग क्यों ना एंजॉय करें चलिए ना मजा आएगा चलो लेट्स डू इट ओके रंबा गो फॉर इट
भाई तुम कहाँ से आई हो? जब जब तुम्हें सुनते हैं हालत खराब होती है, लेकिन ये क्रेडिट जाएगा साहब इंडियन आइडियल के तमाम लोगों को, पूरी टीम को। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आने वाला कल इस बात को भूल नहीं पाएगा कि सिंगिंग की दुनिया में एक अंजना पद्मनाभन भी है। और उषा जी अगर आप कहीं बैठी देख रही हैं तो देख लीजिए, इसने भी गाया है, गाया है, गाया। थैंक यू सो मच। ये रॉक स्टार है यार, यहाँ ये रॉक स्टार है। ये अंजना है ना, ये अंजना मम्मी पापा के साथ कभी भी मेरा बेंगलुरु में कॉन्सर्ट हुआ है, हमेशा वो फर्स्ट रो में ऑडियंस में बैठ के इसने सुना है, और आज मैं इसको फर्स्ट रो में बैठ के इसका कॉन्सर्ट देख रही हूँ, मुझे इतना गर्व हो रहा है, मैं इतनी खुश हूँ। दिस इज अ गॉडेस, शी इज नॉट जस्ट ह्यूमन, शी इज अ गॉडेस। ये लड़की कितना आगे जाएगी, वी हैव नो क्लू राइट नाउ, बट हम कह सकते हैं दावे के साथ शी इज अ सुपर स्टार इन मेकिंग। नो डाउट अबाउट दैट, नो डाउट। एंड ये परफॉर्मेंस हमारी हिट से ज्यादा लिट है। अंजना, अंजना। हाँ सर। मैंने लास्ट वीक देखा था तुमने ओबम का मंडा फोड़ किया था। चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे। हाँ सर, वो हो गया वो। ओह यार, डिटेक्टिव अंजना। हमारी अगली सिंगर अनन्या आज दो लैंडमार्क फिल्मों के गाने अटेम्प्ट करने वाली है। लैंडमार्क इसलिए क्योंकि एक गाना आइकॉनिक जोड़ी राज बब्बर जी और स्मिता पाटिल जी की पहली फिल्म का है, और दूसरा है राज बब्बर जी और स्मिता पाटिल जी की आखिरी फिल्म का गाना। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेजेंटिंग देश की बेटी अनन्या पाल। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते राज सर। नमस्कार। मैं आज स्मिता मैम की गाना गाने वाली हूँ। वो इतनी ब्यूटीफुल एक्टर थी, कहा जाता है कि वो बिना मेकअप के शूटिंग करती थी। उन्होंने 2 नेशनल अवार्ड भी जीता है। मुझे उनके गाने गाने का मौका मिल रहा है, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। अगर कुछ भी गलती हो जाए प्लीज माफ कर देना। नहीं नहीं नहीं, तुम कतई गलती नहीं करोगी। तुम्हारे दिल के अंदर बहुत ही स्मिता के लिए श्रद्धा है, और जो तुमने उनके बारे में जाना है वो सच है। वो सिर्फ एक खूबसूरत कलाकार ही नहीं थी, एक खूबसूरत इंसान भी थी। ना ये सच है कि वो बहुत कम मेकअप इस्तेमाल करती थी, और मेकअप जब ज़्यादा हो जाता था वो छुड़ जाती थी, ये भी सच है। तो इसलिए वो जाके कभी कभी मेकअप को गीले कपड़े से साफ कर दिया करती थी। तो कैमरामैन कभी कभी कहते थे ये क्या हुआ, पिछले शॉट में तो ऐसा नहीं था, बोले तो पिछला शॉट दोबारा ले लो। वाओ। तो उसकी एक एक बात में दम था ये। हम तुम्हारा प्रोग्राम देखते हैं, और यकीन मानो हम तुम्हें यहाँ सिर्फ कहने भर के लिए नहीं कह रहे हैं, मैं अकेला नहीं, मेरा पूरा परिवार तुम्हें देखता है। अगर यकीन नहीं आता तो खुद अपने आप देख लो और सुन लो। अरे वाह। हेलो अनन्या जी, मुझे अभी पता चला है कि आप मेरी माँ को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उनके गाने गाकर परफॉर्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच अनन्या जी एंड इंडियन आइडल। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज अगर मेरी माँ होती तो वो आपके साथ उस स्टेज पे गाती भी और डांस भी करती। ऑल माय लव एंड लक टू यू। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा।
ये गाना आखिरी था। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कभी कभी जिंदगी में कुछ गीत सुनते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन गीतों का मतलब कुछ और हो जाता है। मेरे पास बच्चे तुम्हें देने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि तुमने ये स्मिता की पहली और आखिरी फिल्म गाई है। मेरे पास में वो वक्त है जो मैंने उसके साथ में गुजारा है, और मैं वो वक्त की सुइयां तुम्हें दे रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे हाथ पर ये बहुत बड़ी होगी, लेकिन हमेशा तुम उसी तरह की लड़ाई लड़ती रहो, इसलिए मैं तुम्हें घड़ी दे रहा हूं। अब स्मिता का नाम लिया है तो स्मिता कभी कभी गिफ्ट के साथ में कुछ लिख के भी देती थी। राज सर, ये कितनी बड़ी बात है, आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है उसको मिला है। रियली आई मीन एवरी वन हु वॉज इन हर टाइम और नॉट वॉज इन लव विद स्मिता पाटिल जी फॉर द पर्सन शी वॉज। और आप सभी को बताना चाहूँगा, जो जन्म जन्म का साथ जो ये गाना है, उनके ओरिजिनल कंपोजर आज हमारे साथ यहाँ पर बैठे, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। जुगल किशोर जी, कहाँ? जुगल किशोर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है, इन्हें आवाज का संगम लेकर के तबियत खुश है। थैंक यू, मिलते हैं भी हम। आप
अनन्या बहुत ही सुरीली सिंगर है. हाँ जी. और मुझे उस वक्त गाना सुनते समय ऐसा फील हो रहा था जैसे लता भाई खुद गा रही हैं. अरे वाह वाह, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए अनन्या. बहुत बड़ा, थैंक यू सो मच सर. शुक्रिया 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 जुगल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए. आपने स्मिता जी की यादें ऐसी ताज़ा कर दी हम सबके यू नो दिलों में. इसके लिए एक बहुत स्पेशल ये परफॉर्मेंस हिट से ज़्यादा हिट है. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.